देखिए देवर जी, इस वक्त ये सारी बातें जाने दीजिए। हमारे पास जो था सो था, अब जो है हमारे पास वही तो सच है ना? नहीं, जो दादा का है उसे हमें वापस लेना ही होगा। पर काका, अपन इसके बारे में सोचता भी नहीं। बेटा, लालन सोचना भी नहीं है हमें। तुम इन सब में मत पड़ो, मैं देख लूंगा। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि जो हमारे दादा का था उसे हमें वापस लेना ही है। और अब ये बात जो कमिश्नर साहब बोल रहे हैं, ये तो परेशान कर देती है सबको। लालन और अनुराधा को समझ ही नहीं आ रहा कि वो सब में अब क्यों पड़े। पर अब उन लोगों ने मिलकर हमारे दादा की सारी प्रॉपर्टी हड़प ली, सब कुछ ले लिया, सारे पैसे छीन लिए, वो जमीन भी धोखे से हड़प लिया, और उस जमीन पर आज वो एक आलीशान मकान खड़ा करके खड़े हैं। इस पूरे केस में एक तीसरा दोस्त भी था दादा का, जिसने खास करके दादा के मरने के बाद सारी जमीन हड़प ली, सब कुछ हड़प लिया उनका। बोधी, आप तो जानते ही है, दादा और वो दोनों दोस्त उनके, वो सिर्फ वकील नहीं थे, वो एक बिजनेस भी सेटअप करने जा रहे थे। और अब लालन को वो साजिश की बू आ रही है जिसके बारे में वो सोचा तक नहीं था। और उस बिजनेस में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट दादा का ही था, पूरा कंट्रोल उनके पास था। जानती हूँ, पता है मुझे, वो हमेशा बिजनेस के बारे में ही सोचते थे। मैंने कहा कि जितना है हमारे पास उतना बहुत है, क्या जरूरत है बिजनेस में पैसे डालने की। उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। मेरे पास सारी इन्फॉर्मेशन है बोधी, सिर्फ सबूत जुटाने बाकी है। और अब लालन और झिमली चौंक जाते हैं ये सब बातें सुनकर। कौन है ये लोग जिनके चलते आज उन्हें ये दिन देखना पड़ा है? जल्दी मैं उन्हें एक लीगल नोटिस भेजूंगा, एक अच्छा वकील भी ढूंढ लिया मैंने, तुम्हें उनके साथ ही रहना होगा लालन। काका, पर उन अपने लोगों के साथ ये सब करेगा, ये ठीक है क्या? अभी तो अब इसका ससुराल भी है ना माँ, ससुराल वाले तो क्या, वो हमें धोखा देंगे, झिमली हमारी बेइज्जती करेंगे, हमें उनको जवाब देना चाहिए। और हम भी साबित कर सकते हैं कि हम उनसे कम नहीं हैं। और अब झिमली ही बोल पड़ती है, उसे ये सब अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। और अब और माँ, वैसे भी वो हमारे बाबा की वजह से आज महल में रह रहे हैं। और अब जहाँ झिमली इतनी बड़ी बात बोल पड़ी है, तो अब अनुराधा भी बिल्कुल चुप है। अब बात निकलेगी तो दूर तलक तो जाएगी। आखिरकार हर घर में चूल्हा तो जलता है, तो बात तो आग की तरह फैलेगी। मासी, मैंने आप सबकी बात सुनी, जो इतने मेहनत से काकू ने बनाया उसका फल कोई और क्यों खाए, और आप बेइज्जती से, ये बहुत गलत बात है। और जो अंकल कह रहे हैं ना, वो बहुत सही है, तो प्लीज आप उनकी बात मान लीजिए, आपको माननी चाहिए वो बात। लालन, तुम बस मेरे साथ रहना, अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगा। शायद कोर्ट केस चलेगा और सामने वाले भी आसानी से हार नहीं मानेंगे, पेशे से वकील है, पर मैं भी एक कमिश्नर हूँ, बड़े से बड़े वकील को जानता हूँ, उनसे भी बड़े। अब चाहे जो कुछ भी हो जाए, इस केस में अपनी जान झोंक दूंगा मैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं, आपका अपना भी परिवार है, अब हमारे केस के लिए इतने सारे पैसे बर्बाद करेंगे तो हम आपका ये एहसान कैसे चुकाएंगे? उती, मुझे बहुत अच्छे से पता है कि आपके पास क्या है, कितना है, और ये सब कुछ मैं पैसों के लिए नहीं कर रहा, ये बात है मेरी जिम्मेदारी की दादा के प्रति। और अब जहां अनुराधा भावुक हो जाती है, वहीं अब लालन बोलता है। काका, देखिए प्लीज बात समझने की कोशिश कीजिए, आप अपना खर्चा मत कीजिए। देखिए कैसा है, अपन लोगों को नहीं मालूम है कि इस केस का अंत क्या होगा, नतीजा क्या निकलेगा, हम जीतेंगे भी या नहीं, हमें हमें कुछ नहीं पता काका। लालन, बात पैसों की नहीं है,
तुम्हें अंदाजा नहीं है कि तुम्हारे बाबा के प्रति मेरे मन में कितनी इज्जत है। उनसे ज्यादा इज्जतदार आदमी आज तक मैंने जिंदगी में नहीं देखा। अब जो कुछ भी मैं ये कर रहा हूँ, समझ लीजिए शायद ये एक तरह से गुरुदक्षिणा है मेरी उनको, और उनका पूरा परिवार इस तरह से रहे बस्ती में और इनको लूटने वाले वो वहां मजे करें, दौलत ऐशो आराम सब कुछ मिले उन्हें, कैसे देख सकता हूँ मैं ये सब। इस बात का सबसे ज्यादा दुख मुझे होता है। काका, हम यही रहते हैं। इस बस्ती की आदत ना अब उनको लग चुकी है। और अब अनुराधा चुप है और सबकी राय सुन रही है, कुछ बोलने के लिए है ही क्या, जहां लालौन भी बात तो पते का ही बोल रहा है। सच कहूं तो उनको याद भी नहीं है कि अपन लोग एक टाइम पे एक आलिशान महल में रहते थे। लालौन अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ के बारे में तो सोचो। देखिए देवर जी, हम भले बस्ती में रहते हैं पर कम से कम शांति से तो रहते हैं ना, सुकून की जिंदगी जीते हैं। जितना है हमारे पास उसी से गुजारा चल जाता है, हमें ज्यादा कुछ नहीं चाहिए और जिंदगी भी ठीक ठाक है। मोदी, आपको नहीं लगता कि आपकी जिंदगी और बेहतर होनी चाहिए? इसे देखिए, दिन रात मेहनत मजदूरी करता है, पूरा दिन लगा रहता है। अगर ये इसी तरह मेहनत मजदूरी करता रहा, पूरा दिन लगा रहा, तो अपनी गायकी पर ध्यान कब देगा ये? और अब इन सब की बातें अप्पू भी सुन रही है। उसे पता है कि ये सब किसकी बातें कर रहे हैं। तो क्या अब लालौन अपने काका का सुनकर करेगा वो काम जो शायद इनसे इनकी खुशी ही नहीं छीन ले? देखते रहिए और बने रहिए कंप्लीट बॉलीवुड पर आगे की झनक की अपडेट्स के लिए, क्योंकि हर घर में ये कहानी तो होती है।